और बहुत मामूली मामूली हमारी मांग है, ना तो वीसी हमारी बात सुन रहा है, ना तो प्रशासन हमारी कोई बात सुनने को तैयार है, ना सरकार बात सुनने को तैयार है। उनकी ना तो क्लास लगी है, ना उन्हें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिला है, और मई से उनके ऑफलाइन मोड में एग्जाम है। आप ये बताइए, ऑफलाइन मोड में आपने पढ़ाई नहीं करवाई, स्टडी मटेरियल नहीं दिया, लाइब्रेरी नहीं दी, और आप कहते हैं ऑफलाइन मोड में आप एग्जाम ले लेंगे, ये नाजायज है कि नहीं? हम उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन अगर आप 144 लगाकर दिल्ली पुलिस को बुलाकर मारते हैं, ऐसा नहीं कि उठवाते हैं, आप मारते हैं पीटने के साथ साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड को फुल पावर दे देते हैं कि आप चाहे महिला छात्र हो चाहे जेंट्स छात्र हो उनको पीटो, तो ये बहुत बेकार है। तो पूरी स्टूडेंट से एक गुजारिश करना चाहूंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग इसको सुने और समझे, क्या शिक्षा ही हमारे पास एक माध्यम ऐसा है जिससे हम अपनी और अपने हालत को, अपने परिवार की हालत को सुधार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीदों को देखते हैं। लेकिन अगर वही हमसे छिन जाएगी तो हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है जिससे हम अपने हालातों को सुधारें। लेकिन उल्टा डीन और डेप्यूटी डीन आके हमें सामने से धमकी देते हैं, मतलब शायद पहली बार ऐसा डीयू के अंदर हुआ है कि सामने से धमकी दी गई है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ वरना लाठी चार्ज हो जाए। दिल्ली पुलिस ने हमारे कैंपस को अपने बाप की जागीर समझ रखी है, हमारा उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, और ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये पुलिस यहाँ से हमारा कैंपस छोड़ नहीं देती है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार जो छात्रों का जमघट है मौजूद है, अभी इन्हीं से बात कर लेते हैं। छात्र बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी उनकी मांग को सुने, उनकी समस्या को समझे। लेकिन समझने की बजाय, संवाद करने की बजाय लगातार क्या किया जा रहा है, हमारी आवाज को पूरे बर्बरता के साथ दबाया जा रहा है। दो दिन पहले यहाँ पर SOL के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे कि 17 फरवरी को DU रेगुलर खुल गया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुसंख्यक हिस्सा जो SOL में पढ़ता है, उनकी ना तो क्लास लगी है, ना उन्हें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिला है, और मई से उनके ऑफलाइन मोड में एग्जाम है। आप ये बताइए, ऑफलाइन मोड में आपने पढ़ाई नहीं करवाई, स्टडी मटेरियल नहीं दिया, लाइब्रेरी नहीं दी, और आप कहते हैं ऑफलाइन मोड में आप एग्जाम ले लेंगे, ये नाजायज है कि नहीं? आप ये बताइए, जब सेमेस्टर आपने ऑनलाइन क्लास भी नहीं दी है तो आप कैसे ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं? तो छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का छात्रों को ऑप्शन दिया जाए, उन्हें कंप्लीट क्लासेस दी जाए, सिलेबस पूरा किया जाए, उसके एक महीने बाद एग्जाम कराया जाए। पर इन मांगों को, इन समस्याओं को सुनने और समझने की जगह यूनिवर्सिटी ने लगातार 144 धारा 144 का दुरुपयोग करते हुए स्टूडेंट्स को, परसों की बात है, हम लोगों को दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली के जो गार्ड्स हैं बिना किसी अधिकार के, उन्होंने हमें भेड़ बकरियों की तरह पकड़ के मारा और बस में भर के, या किसी पास के थाने में नहीं, बुराड़ी लेकर गए, जहां हमें डराया धमकाया गया, हमारी पर्सनल डिटेल्स ली गई, जिसका उन्हें उसके बाद हमारी फोटोग्राफ ली गई, तो साफ साफ हमें डराने की कोशिश की जा रही है। केंद्र में भी इस तरीके के लॉज और इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं कि अगर आप कॉन्विक्ट नहीं भी हैं, आपको केवल डिटेन किया गया अपनी आवाज उठाने के लिए, तो भी सरकार पूरी तरीके से आपके अधिकार को, आपके बोलने के अधिकार को दबाना चाहती है, ताकि लोकतंत्र में जो थोड़ा लोकतंत्र आज भी जनता के दिल में, जनता के मन में अपनी आवाज उठाने के प्रति, अपनी समस्या बोलने के प्रति, अपने हक के लिए आवाज उठाने के प्रति बची है, उसे खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये संदेश हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के BC को, इस एजुकेशन सिस्टम को, दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को दे देना चाहते हैं कि इतिहास में जब भी छात्रों की और गरीब छात्रों की और जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है, तो हमने हमेशा अपने आंदोलन को मजबूत करके वापस अपनी आवाज को बुलंद किया है, और आज भी हम ऐसा ही करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक संघर्ष करने की जरूरत महसूस होगी, जब तक हमारे समाज में समान शिक्षा नीति लागू नहीं हो जाती। क्या मांगे आप? हमारी जो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे छावनी बनाई रखी है, दिल्ली पुलिस ने हमारे कैंपस को अपने बाप की जागीर समझ रखी है, हमारा उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, और ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये पुलिस यहाँ से हमारा कैंपस छोड़ नहीं देती है, और DUVC उनको जब तक भगा नहीं देता और ये खुद यहाँ से चली जाती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पहले आप ऑनलाइन के खिलाफ थे, अब जो है ऑफलाइन कर दिया गया है, तो अब पहले हमारा कैंपस रीओपन का पूरा 1.5 साल का प्रोटेस्ट चला, उस वक्त भी
दिल्ली पुलिस बार बार हम पे एफआईआर करती है, बार बार हमको पकड़ा जाता है। हम कह देते हैं कि हम छात्र हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, अगर ये इस तरीके से एफआईआर, इस तरीके से हमारा भविष्य बर्बाद करेंगे, हम पे वो हमारे जैसे बहुत सारे आम छात्रों पे एफआईआर होती है, उनको असोल्ट किया जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। इस तरीके से दिल्ली पुलिस के हमारे प्रति बर्ताव है, ये कुछ भी नेगोशिएट करते ही नहीं है। अच्छा, तो मांग वगैरह जो लेकर आप बैठे हुए हैं, तो पत्र वगैरह दिए हैं आपने? बार बार हम DUVC से बात करने की कोशिश करते रहे, यहाँ DSW को हम बार बार अपना मेमोरेंडम दिए, कितनी बार बात करने की कोशिश की है, कितनी बार ना जाने कम से कम 20 से 30 बार हम मेमोरेंडम दिए कि हमारे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बार बार इंटीमेशन देते हैं, पुलिस को भी बोलते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी दो दिन पहले क्या होता है, मैं कैंपस में जस्ट ऑटो से उतरा हूँ, लेकिन यही पुलिस वाले मुझे खींचा जाता है, मेरे कपड़े फाड़े जाते हैं। इस तरीके से एक आम छात्र के प्रति इनका बर्ताव है। तो मतलब संवाद करने के मूड में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हम तो चाहते हैं कि संवाद हो, हम तो चाहते हैं कि बातचीत से सब मसला हल हो, लेकिन ये लोग कुछ भी नेगोशिएट करने के लिए बात ही नहीं करते। धारा 144 क्यों लगा दिया आप लोग? धारा 144 भाई कि हमारा 5-6 दिन पहले यहाँ पे बहुत सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे OB की मांग को लेके, उसको कि हमारे जिस तरीके से 80-90% सिलेबस हमारा ऑनलाइन हुआ है, हम चाहते थे कि हमारे OB हो, ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो उसको लेके कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों को जेल में डाला गया, बहुत सारे छात्रों पर FIR हुआ, उसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस DU जैसे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे छाबरी में आ रखी है, इनको भगाने के लिए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ से कैंपस खाली है, कैंपस हमारा है, छात्रों का, हर आम छात्र का कैंपस है, ये छात्र उनका ही रहेगा, दिल्ली पुलिस को इसकी छाबरी नहीं बनने दिया जाएगा। अभी कब तक चलेगा आपका ये प्रोटेस्ट? देखिए, हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एक पैटर्न बन गया है DU के अंदर कि जब भी बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो वाइस चांसलर पुलिस को बुलवा के उनको डिटेन करवाता है, उन पर FIR करवाता है, उनके साथ मारपीट करता है। ठीक है, तो अब इनफ इज इनफ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है या स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, ये पुलिस की छावनी नहीं बन सकती है। ठीक है, पुलिस की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम चाहते हैं कि जो DCP है वो हमसे मिले और ये चीज़ इंश्योर करवाए कि आज के बाद अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, जो कि प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर उस पर अटैक होगा, अगर हमसे वो राइट छीना जाएगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम लोग सड़कों को घेर लेंगे, हम लोग थानों को घेरेंगे और हम उन लोगों को बताएंगे कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। समस्या क्या आ रही है डीन को संवाद करने में? देखिए, समस्या ये आ रही है कि डीन ये समझते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी के ओनर है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से चलती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की सड़कें, ईट, क्लासरूम, ये सब छात्रों का है जो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ की फीस देते हैं। ठीक है, तो डीन शायद ये बात भूल चुके हैं, तो उनको ये बात रियलाइज करवानी है, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और डीन को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डीन अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुने, और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। 1.5 साल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे हमारे साथ मजाक हुआ है, हम लोगों की क्लासेस नहीं ली गई हैं, और जब कैंपस खुलने के बाद भी आज भी ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है, आज भी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही है। ऐसे में जब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम ऑफलाइन देने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उनको चिंता है कि वो फेल हो जाएंगे, खासकर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनकी डिग्री दांव पे लगी है, ऐसे में डीन का काम होना चाहिए कि वो हमसे बातचीत करें, कोई सोल्यूशन निकाले, लेकिन उल्टा डीन और डेप्यूटी डीन आके हमें सामने से धमकी देते हैं। मतलब शायद पहली बार ऐसा DU के अंदर हुआ है कि सामने से धमकी दी गई है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ वरना लाठीचार्ज हो जाएगा। एकदम, हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे अंदर जो विवेकानंद सेतु के पास, तो वहाँ पे डेप्यूटी डीन ने आकर स्पीकर पे ये बोला है कि आप लोग कैंपस प्रीमिसेस को खाली कीजिए, नहीं तो आप पे लाठी चार्ज होगा, और ये भी बोला है कि तुम लोग यहाँ बैठो भूखे मर जाओ, लेकिन OB तो नहीं होगा। तो इस तरीके से हमसे बात की जा रही है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की है, शायद वो 1.5 साल में ये बात भूल गए, उनको दोबारा ये याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और हम पुलिस से गारंटी चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस वो लोग प्रोटेस्टर से फिर से अंजिश ना करें। अच्छा, कहा जाता है आप लोग पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, इसलिए आप लोग जो है रोडों पे उतर जाते हैं बार बार, आपको पॉलिटिक्स में आना है? देखिए, बहुत ये सही कहा जाता है, हाँ हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स करने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स का डेफिनेशन जो मेन स्ट्रीम है, जो सरकार सेट करती है, वो ये करती है कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होने चाहिए, आप वाइट शर्ट में माला डाल के घूमिए, आपके पास गुंडे होने चाहिए, गुंडागर्दी करें।
हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स की ये डेफिनेशन सही नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे लिए पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, हम लोग आते हैं क्लासरूम से, बैठते हैं क्लासरूम में, हमको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वो पढ़ाई सिर्फ हम लोगों को दिमाग में नहीं भरना है और उससे एक नौकरी लेकर पैसा नहीं कमाना है, उस पढ़ाई को हमें समाज को बदलने में भी इस्तेमाल करना है। तो अगर हमारे राइट्स पर हमला होगा तो उसी पढ़ाई जो हमने भगत सिंह और अम्बेडकर को देख के जो पढ़ाई सीखी है, जो हमने लेसन उनसे लिए हैं, जो लेगेसी हमें उनकी मिली है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये पॉलिटिक्स करना है तो हाँ, हम पॉलिटिक्स करते हैं और हम करेंगे, संविधान हमको पॉलिटिक्स करने का अधिकार। सरकार बोलती भी है ये आयशा वायशा और जेएनयू जामिया ये पॉलिटिक्स ही करती आई है, इसको यही सब रहता है। जब भी कुछ मसला होता है तो रोडों पे आ जाते हैं और छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। देखिए जेएनयू जो है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, और ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है। जामिया भी अभी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आया, ये भी सरकारी आंकड़ा है। डीयू देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है, यहाँ 4.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो पहली बात तो इन यूनिवर्सिटीज का एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है वो सरकार के आंकड़ों में दिया है। तो ये बोलना कि सरकार, मतलब ये बोलना कि यहाँ के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल है, सरकार भी एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रही है कि भाई अगर यहाँ के स्टूडेंट इंटरनेशनल है तो ये यूनिवर्सिटीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज कैसे हैं। बात यह है कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को मशीन की तरह नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे वाद विवाद की आज़ादी है, डिबेट एक्शन का स्पेस है। आप यहाँ पे देखिए कि डीयू के अंदर ये बात होता है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको लेके क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। हाथरस में किसी बच्ची का रेप होता है उसको लेके डीयू में प्रोटेस्ट होता है, बीएचयू में लड़कियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो बच्चे यहाँ आवाज़ उठा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया है और ये बहुत ही सुंदर माहौल है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं, अलग अलग जेंडर कास्ट लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो वो एक साथ रहते हैं, यानी कि डीयू मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और उसकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी यूनिटी से ये लोग डरते हैं। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग हमेशा सड़क पर उतरे रहते हैं, ये लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने आंदोलन किए हैं, तो हम तो वही चीज़ को आगे बढ़ा रहे, तो उनको इससे समस्या क्या है? क्या समस्याएं हैं आपकी, क्या क्या लेकर आप समस्याएं जो है डीन से बात करना चाहते हैं? यहाँ पे दो दिन पहले, पिछले एक दिन बीते दिन पहले ही यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। डिमांड ये थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की जो बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, बहुत लाखों संख्या में यहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बिना किताबें बिना टीचर्स के बिना क्लासेस पूरी कराए हुए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उनकी लगभग कई सालों से ऐसी हालत ख़राब है, और दो साल में कोरोना काल से ये हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई है। उसी सिलसिले में लेकर के ओबी की डिमांड, जो कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो दिक्कतें हैं एसएल में उस पर वीसी जो लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर भी एक तरफ नज़र आके देखें कि किस तरीके से छात्रों की बहुत बुरी हालत हो रही है। यहाँ पे कि बीए में यहाँ पे जो छात्र है जो बीए पास करके निकलता है, लगता ही नहीं कि बीए पास है, उस तरीके से तैयारी नहीं किया जाता, तो ये दिखाई देता है कि भेदभाव एक तरफ रेगुलर कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो एसएल में दिखाई नहीं देती है। रेगुलर में जो कोर्सेज कंप्लीट कराया जाता है, पूरा मटेरियल दिया जाता है, लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है, 180 दिन का क्लासेस दी जाती है, सेम एसएल में ये चीज़ नहीं मिलती है। तो उस हालात में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत बुरी तरीके से वो पास होते हैं, उनके 50% भी मुश्किल से बनते हैं। उसी सिलसिले में लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं वीसी के पास भी, शिक्षा मंत्री के पास भी, जहाँ जहाँ क्रांतिकारी युवा संगठन एसएल के स्टूडेंट के साथ या डीयू के स्टूडेंट के साथ गया है, वहाँ वहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। यानी कि ये दिखाई देता है कि तानाशाही रवैया वीसी का और शिक्षा मंत्री का दिखाई देता है कि एसएल या रेगुलर में जो दिक्कतें होती हैं शिक्षा की, उसको वो नज़रअंदाज कर देना चाहता है। वो चरमराई व्यवस्था जो दिखती है वो वैसी की वैसी चाहते हैं वो, क्योंकि अगर ऐसा चाहते नहीं तो वो पहले ही सुधार करते, हमारे पहुंचने से पहले वो आकर के इस पे हालातों पे दौरा करते और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करते, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है। उसको बार बार याद दिलाने के बाद भी, शिक्षा मंत्री पे जाने के बाद भी, वहाँ पे शिक्षा मंत्री ने में इसने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे वीसी पे वीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ पे 144 धारा लगा दी गई पुलिस कर्मियों द्वारा और यहाँ के स्टाफ द्वारा, जो कि यहाँ पे
गार्ड है जो फीमेल और मेल, उन्होंने पूरी तरीके से स्टूडेंट्स पे बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया और उनको डिटेन किया, उनको मारपीट की गई, बच्चों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उनके हाथ मुड़ गया, किसी का ब्लड आ गया, किसी को बस में पीटा गया, उनको डराया धमकाया गया, उनको थाने में भी जाके टॉर्चर किया, उनसे पूरी डिटेल मांगी, पूरी फैमिली डिटेल मांगी, आधार कार्ड तक मांगा, उनके पूरे दो दो नंबर मांगे, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उनको रिहा किया गया। तो ये दिखाई देता है कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हमें बोलने की आज़ादी का ज्ञान का पाठ सिखाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी में हमें बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है, उस यूनिवर्सिटी में हम बोल नहीं सकते हैं, हमारे सामने 144 धारा लगा दी जाती है, जितने स्टूडेंट यहाँ इकट्ठे नहीं होते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस फोर्स बुला दी जाती है, CRPF वाले बुला दिए जाते हैं, और बहुत बुरी तरीके से आंदोलन को, जो कि शिक्षा का बहुत बड़ा मुहिम है जो चल रहा है कि शिक्षा बचाओ आंदोलन, अगर देखा जाए कि शिक्षा बहुत बड़े संकट के दौर में, उसी के लिए कुछ छात्र आकर के आवाज़ उठा रहे हैं और उसी को दबा दिया जाता है। तो पूरी स्टूडेंट से एक गुजारिश करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग इसको सुने और समझे, क्या शिक्षा ही हमारे पास एक माध्यम ऐसा है जिससे हम अपनी और अपने हालत को, अपने परिवार के हालत को सुधार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीदों को देखते हैं, लेकिन अगर वही हमसे छिन जाएगी तो हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है जिससे हम अपने हालातों को सुधारें, क्योंकि शिक्षा ही हमसे छीन ली जाती है, उसमें दोहरापन दिखाई देता है, दोहरी शिक्षा नीति जो कि शिक्षा मंत्री भी सुधारना नहीं चाहते, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों पर दिखाते हुए बोलते दिखते हैं कि हमने शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार कर दिया, समान शिक्षा कर दी, सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दिया, हम जब तक मानने को तैयार नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री या सरकार चलाने वाले का बच्चा सरकारी स्कूल में हमारे साथ आकर के नहीं बैठेगा और पढ़ेगा, तब तक हम नहीं मानेंगे कि वो शिक्षा सुधर गई है, क्योंकि दिक्कतें हैं, शिक्षा किसको नहीं मिलती है, कौन से बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, गरीब मजदूर और ऐसे वंचित समुदाय से आने वाले, दलित समुदाय से आने वाले, गाँव देहातों से आने वाले बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट है, जो ज़्यादातर छात्रों में महिलाएँ हैं, जो शिक्षा से वंचित होती है, जिनके परिवारों में 12वीं तक छूटते छूटते उनकी शादी हो जाती है, BA में दाखिला लेने के लिए लड़ना पड़ता है, घर में लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर समाज में लड़ना पड़ता है, फिर मोहल्ले में लड़ना पड़ता है, तब जाके कई यूनिवर्सिटी तक आते हैं और वहाँ पे भी हमें एजुकेशन नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है कि छात्र इसको समझे कि हम लोग अगर एकजुट होते हैं तो हमारे लिए ये 144 धारा जो लगा देते हैं, ये पहली बात तो हम यहाँ इसीलिए भी इकट्ठा हुए कि ये पहली बात ये उठाया हटाया जाए, आंदोलन को ख़त्म करने का, आंदोलन को दबाने का, आवाज़ों को बंद करने का ये एक तानाशाह रवैया VC ने पुलिस के साथ जो देखा है, ढूंढा है कि इस तरीके से छात्रों को ये हम यहाँ से भगा देंगे या इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला है, छात्रों को पता है कि अगर ये जितना दबाएंगे उतना ही छात्र उग्र तरीके से आएंगे और आगे बढ़ेंगे और मुहिम चालू करेंगे, ऐसी ऐसी बस्तियों में जाएंगे जहाँ बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, ऐसे कैंपस में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और बहुत बड़े मुहिम के साथ हम शिक्षा बचाओ के साथ साथ शिक्षा बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग इस चीज़ में जीत हासिल करेंगे। अगला कदम क्या होगा आपका अगर यहाँ पर अभी नहीं आपकी आवाज़ सुनी, बात नहीं सुनी? देखिए अभी तक तो हम यहीं पर हैं और हमारी बात अगर नहीं सुनी तो इसके आगे DCP ऑफिस है, DCP ऑफिस पर जाएंगे, DU प्रशासन के खिलाफ तो हम लगातार बने रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें दिक्कत कैंपस से है, हमें दिक्कत दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है, अगर आप पुलिस को लेके आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के कहने पे आ रही है, ये तो बहुत ही बड़ा गैर कानूनी है एक तरीके से, क्योंकि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हमारा अधिकार है कि हमें अगर कैंपस से कोई दिक्कत है, हमें यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत है तो हम अपनी आवाज़ उठाएं, अगर आप अपील से नहीं मानते, प्यार से नहीं मानते, प्रोटेस्ट करें और एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने के कारण हम उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन अगर आप 144 लगाकर दिल्ली पुलिस को बुलाकर मारते हैं, ऐसा नहीं कि उठवाते हैं, आप मारते हैं पीटने के साथ साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड को फुल पावर दे देते हैं कि आप चाहे महिला छात्र हो चाहे जेंट्स छात्र हो उनको पीटो, तो ये बहुत बेकार है। समस्या क्या आ रही है, ऑफलाइन एग्जाम करवा तो रहे हैं? ऑफलाइन एग्जाम करवाना ही समस्या इस समय में, OBE जो है ओपन बुक एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास ऑनलाइन लगी है, पूरी ऑफलाइन क्लास नहीं लगी है, और अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो चालू भी हुई है उसमें भी क्लासेस अच्छे से नहीं लगी, तो हमारा अभी तक सिलेबस हमको नहीं पता तो हम एग्जाम कैसे देंगे। सबसे बड़ी बात DU के जो SOL है वहाँ पे अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला और वहाँ पर बच्चे को पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या, और वही ऑफलाइन क्लास जो रेगुलर कॉलेज में चल भी रहे
उसमें भी पूरी तरह नहीं लग पाए। अगर आप क्लास ऑनलाइन दे रहे हैं, अभी भी ऑनलाइन क्लास लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन लग रहा है, ऑनलाइन लग रहा है, ऑनलाइन टीचर क्लास ले रहे हैं। अगर क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन एग्जाम क्यों? अगर आप करवा रहे हैं तो एक दो महीने का टाइम दीजिए और OBE लीजिए, ओपन बुक एग्जाम लीजिए। आपकी आपकी यही डिमांड है कि जो एक दो महीने का अगर टाइम दिया जाए तब हम जो एग्जाम देंगे? जी जी, आपकी डिमांड यही है ना कि मतलब ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो उसको हमें टाइम दिया जाए पढ़ने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम हो, OBE मोड में हो, चाहे ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले, दोनों ऑप्शन दे, क्योंकि कई छात्रें जो बाहर है दिल्ली में अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। और हाइब्रिड मोड, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हो, लेकिन हाइब्रिड मोड में हो, OBE हो, ओपन बुक एग्जाम, हमारी ये मांग है और हमें टाइम मिले पढ़ने के। राजनीति बहुत करते हैं आप लोग, राजनीति करने बैठ गए आप, सरकार भी कहती है, सरकार राजनीति करती है, लेकिन हम राजनीति, हम तो अपना राजनीति कैसे है ये बताइए। ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ने की जगह है, ये कंपनी बाग नहीं है जो यहाँ पर वर्दी यहाँ पे खड़ी कर दी गई है, ठीक है, कंपनी बाग तो नहीं है यहाँ पर। ये जो अंग्रेजी राज लगाया जा रहा है, 144 लगाया जा रहा है, यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर छात्र है अपना अधिकार मांग रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई राजनीति नहीं चल रही है, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हम लोग, छात्र है, SOL के छात्र है, ठीक है, जिनको किताबें नहीं मिली है, जिनकी क्लासेस नहीं है, और उनसे कह रहे कि एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। बहुत मामूली मामूली हमारी मांग है, ना तो VC हमारी बात सुन रहा है, ना तो प्रशासन हमारी कोई बात सुनने को तैयार है, ना सरकार बात सुनने को तैयार है, बल्कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और हम पे 144 लगा कर हमको डराया धमकाया जा रहा है। अगर इनको लग रहा है, सरकार को और यूनिवर्सिटी को ये लग रहा है कि वो ये सब करके डरा देंगे, तो वो बहुत बहुत गहरी गलत फहमी में घूम रहे हैं। उनको हम बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग और भारी संख्या में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और जब तक ये जो इन्होंने 144 और ये सारा जो प्रपंच रचा हुआ है, और जब तक जो फर्जी मुकदमे वो वापस ना हो जाए, OBE और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें ना मिल जाए, तब तक हम लोग अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अगला कदम क्या है आपका अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ? हम लोग लड़ेंगे इनसे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे। ये तो अभी बस एक छोटा सा उनको हमने हिंट दिया है, अभी हम लोग और सब बड़ा आंदोलन करेंगे अगर ये लोग नहीं माने। भारी संख्या में जुटेंगे, घेराव करेंगे? बिल्कुल, हम लोग घेरेंगे, ठीक है। तो डीन को क्या समस्या आ रही है आपसे संवाद करने में? संवाद कर ले आप। गलत है वो गलत है। जब हम उनके पास समस्या लेके जाते तो उनके अधिकारी कहते हैं कि नहीं नहीं आप ठीक मांग कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि आप OBE कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी है, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें, एकदम से आपने एग्ज़ाम वगैरह लेना शुरू किया है, वो आ नहीं सकते, बहुत गरीब परिवारों से, ठीक है, ये सब मांगों को अनसुना करके बैठे। अगर आपसे ये कहा जाए कि किताबों के बिना एग्ज़ाम दे दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो कोई भी जो भी ये बात सुन रहा है वो हंस रहा है। तो डीन आके हमारी क्या मांग, या तो वो हमारी मांगे माने, और इसीलिए हमसे नहीं मिलने आ रहे क्योंकि उनको नहीं मानना है, वो लोग गलत है, और इसलिए हमारा जो प्रदर्शन है वो एकदम जायज है और हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी डंडे सब कुछ बरस जाए, हम लड़ेंगे उनसे। अंग्रेजों से नहीं डरे हमारे पूर्वज, ठीक है, हम मेहनत कश परिवारों से, ठीक है, मैं कंपनी में काम करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, हम लोग मेहनत कश परिवारों से, हम लोग लड़ना ही सीखा है, हम लोग कदम कदम पे लड़ते हैं, तो ये सरकार क्या चीज़ है? अंग्रेज चलेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये भी सरकार ये मानेगी, अपने घुटनों पे आएगी। हाँ, कब तक लड़ेंगे इस तरीके की गर्मी है, जोश खत्म हो जाए? देखिए, अभी तक हमारा जोश खत्म नहीं हुआ है और हमारा जोश आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा, जब तक पुलिस जो है, संख्या बेशक यहाँ पे कम नजर आ रही है, परंतु जो छात्रों पे दमन हुआ है उसको लेके छात्रों में भी गुस्सा है, जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्व करा जा रहा है, जिस तरह से पुलिस जो है दमन करती है छात्रों पे जब भी वो अपनी मांगे उठा रही है, तो यहाँ पे संख्या बेशक कम लग रही होगी पर छात्रों में गुस्सा है इसको लेकर, और छात्र बड़ी तादाद में आने को तैयार है, तो बेशक यहाँ पे इनको संख्या कम लग रही होगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो आंदोलन है छात्रों की मांगों को लेकर, जो गरीब छात्र जिनको सुविधाएं नहीं मिलती उनकी मांगों को लेकर जो हमारा आंदोलन है वो और तेज होगा आने वाले समय में, तेज होगा। और अभी इन्हीं में से ही जो है आप ही लोगों में से, छात्रों में से धीरे धीरे सब पीछे हट जाएंगे, कितना और तेज करें?
देखिए अभी तक कोई भी छात्र पीछे नहीं हटा है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र और धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। पहले संख्या इससे कम थी, अब संख्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है, आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ेगी। तो हम आंदोलन को और बढ़ाएंगे, हम जगह जगह जो है अपने आंदोलन को ले जाए जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कैंपस में जो कॉलेज हो, चाहे या फिर ऑफ कैंपस में हो, जैसे स्वामी श्रद्धानंद हो गया है, जैसे शाद्रा में कॉलेज है, तो हम इन कॉलेजेस में भी अपने आंदोलन ले जा रहे हैं, उन कॉलेजेस में भी हम छात्रों की मांगे जो है उनको उठा रहे हैं, तो हमारा आंदोलन आने वाले समय में और गति पकड़ेगा। ऐसा क्या हो गया जो डीन को है जो धारा 144 लगानी पड़ी, पूरी टुकड़ी जो है यहाँ पे तैनात करनी पड़ी? जो डीन है वो डरते हैं कि छात्र अगर बड़ी संख्या में आ गए, जिस दिन जमीन पे वो उतर गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो डीन इसीलिए जो है 144 लगा रखी और पुलिस वाले इसको मिसयूज करके हमको डिटेन कर लेते, क्योंकि उनको डर है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर और अवेयर हो रहे हैं, और इसी को लेकर जो वीसी है, जो दिल्ली पुलिस है, 144 हमेशा लगा देती है जब भी छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या से इनको घबराहट होती है, सीधा सा बात है, इसीलिए ये चाहते हैं कि आंदोलन को तोड़ा जाए कानूनों को मिसयूज करके, इसीलिए पुलिस वाले 144 का मिसयूज कर रहे हैं। मैं एसएल से नहीं हूँ, मैं रेगुलर से हूँ, परंतु मेरे बहुत सारे जानने वाले जो एसएल में पढ़ते हैं, और मैंने खुद एसएल के छात्रों से बातचीत करी है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको। किस ईयर में? किस ईयर में? मैं अभी LLB कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, परंतु एसएल के छात्रों से मेरी बात हुई, जो फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बहुत सारे बच्चों को किताबें नहीं मिली है। सोल की ही समस्या है, रेगुलर की भी है? रेगुलर की समस्या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एसएल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये समस्या झेल रहे हैं। कहीं जो है ऑनलाइन चल रहा था क्लासेस, अब जो है ऑफलाइन सीधा उनसे एग्जाम लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और क्लासेस खत्म कर दी गई है और किताबें नहीं मिली। पढ़ते कहाँ है सोल के बच्चे? ये एक मिसकंसेप्शन है कि पढ़ते नहीं, अगर आप सुविधा देंगे बच्चों को तो बच्चे पढ़ेंगे, आप सुविधा नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है बच्चे फिर कैसे जो है अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आप उनको किताबें समय पे नहीं देते, आप उनको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, आप खुद जाइए आप एसएल के बच्चों से पूछे, वो पढ़ने को तैयार है, परंतु उनको माध्यम ही नहीं दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ पाए, तो इसी की वजह से जो है छात्रों में बहुत गुस्सा है, और उनकी मांगों को लेकर हमने कुछ दिनों पहले ही प्रदर्शन करा था, हम आने वाले समय में भी और प्रदर्शन करेंगे। अभी हमने जो लगातार जो है इन छात्रों से बात की और इन्होंने अपनी जो है रणनीति बताई कि क्यों यहाँ पर जुटे हैं, इनकी सिर्फ यही डिमांड और मांग है कि जो नेशनल पॉलिसी जो डीन ने और यहाँ विश्वविद्यालय ने दे दी है, तो उसी पॉलिसी के चलते जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो तो शुरू कर दी गई है, पर ऑफलाइन क्लासेस से पहले जो ऑनलाइन क्लासेस दी गई थी उसके बाद डायरेक्ट जो है इस कॉलेजेस ओपन कर दिए गए और ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इनकी डिमांड यही है कि जब पढ़ाया ही सही नहीं गया है तो हमें कुछ महीना दिया जाए, ऑफलाइन क्लासेस दी जाए, तब जो है हमसे एग्ज़ाम लिया जाए। यहाँ पे सोल के बच्चे भी बैठे हैं जिनकी ये समस्या है कि उन्हें बुक जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई है, जो मटेरियल दिया जाता है वो मटेरियल नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि क्लासेस भी है जो ढंग से नहीं ली जाती है, इसीलिए सोल के बच्चे जो है सोल की तरह ही रह जाते हैं। उनकी डिमांड यही है, मगर यहाँ पर सत्ता का गुरूर दिख रहा है लगातार, क्योंकि डीन जो है संवाद करने के मूड में नहीं है और ये लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि एक बार जो है डीन हमसे बात कर ले, पर डीन जो है गुरूर में बैठे हुए हैं वो बात ही नहीं करना चाहते, और इनके ऊपर, इन छात्रों के ऊपर धारा 144 तक लगा दी गई है और यहाँ तक कि इनके ऊपर लाठीचार्ज तक किया गया है, लड़कियों के कपड़े तक खींचे गए हैं, मगर जो प्रशासन है, जो ये पुलिस है, अधिकारी हैं, ये खड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, पर छात्रों की बात तो आपने सुनी है कि ये सफ़ेद झूठ है, और आप भी जानते हैं कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है, शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति को है ध्वस्त किया जा रहा है, क्या ये हक अधिकार की बात जो बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, इनकी डिमांड सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़, नमस्कार।